नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। बड़वानी जिले के पार्टी में हजारों की संख्या में जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। पार्टी में जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को पार्टी पहुंचे, जहां बोकराटा रोड पुलिस पॉइंट पर संगठन के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ रोड पर उतर आए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। करीब दो घंटे तक प्रशासन के खिलाफ नारे बाजी लगाते हुए विरोध किया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि क्षेत्र के हजारों लोग अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, जिन्हें अपने प्रदेश में पहुंचाने के लिए सरकार उपयुक्त व्यवस्थाएं करे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए उन्हें गृह गांव तक पहुंचाने की उत्तम व्यवस्थाएँ नहीं कर रही हैं। वहीं मजदूरों को खुद का वाहन व किराए पर देकर अपने गृह तक आना पड़ रहा है। अनेक मांगों को लेकर दो घंटे तक रोड पर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांगें कलेक्टर व CHMO से की थी। उनका कहना है कि मौके पर कलेक्टर और CHMO पहुंचे और हमारी मांगों को पूरा करें। करीब दो घंटे विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद भी जिला प्रशासन मौके पर नहीं पहुँचे, जिसके बाद कार्यकर्ता पुलिस पॉइंट से पैदल निकल पड़े। बोकराटा रोड से पैदल चलकर पुल पार करते हुए वाहन में बैठकर बड़वानी रवाना हुए, जहां पर उन्हें पार्टी नाके पर रोका गया। वहीं कलेक्टर अमित तोमर को ज्ञापन सौंपा गया। बड़वानी से आदित्य शर्मा के साथ पार्टी से कमल खरते की रिपोर्ट। किस मांग को लेके आज रैली के माध्यम से पार्टी आए थे? हमारी मांगे ये है जागृत आदिवासी दलित संगठन से कि यूपी और बिहार के मजदूर महाराष्ट्र की बाउंड्री पे रुके हुए, अलीराजपुर में रुके हुए, प्राणपुर में रुके हुए, यहाँ के पुलिस, MP के पुलिस और UP और बिहार के मजदूर ने क्या गुनाह किया। राज्य सरकार UP सरकार से फैसला करे और इन मजदूर को जाने दे। दूसरी मांग ये है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जो हमारे मजदूर फंसे हुए, मई में कपास की खेती की तैयारी करना हमें पति गुजरात में, पत्नी MP में, ऐसी स्थिति आ रही। कुछ दिन सरकार ने वहां को भोजन खिलाया, अभी वहां के मजदूर कोई भोजन नहीं खिलाया गया। 80,000 90,000 में 40-40 लोग आ रहे, सरकार वहां से लोगों को लाया जाए निशुल्क, और जो अनाज का सैनिटाइजर बना रहे, दारू बना रहे, तो हम ये बोल रहे कि यहाँ के अनाज पकाने वाले लोग भूखे हैं, मजदूर भूखे हैं, उन लोगों को राशन दिया जाए, अनाज को सैनिटाइजर बनाना बंद करे, दारू बनाना बंद करे। 69,000 करोड़ कंपनी को छूट दिया गया, माफ किया गया, किसानों को कर्जा नहीं माफ किया, ऐसा क्यों? 30,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का घर बनाया गया दिल्ली में, लोगों के महिलाओं के खाते में 500-500 रुपए डाला गया बताया, लेकिन कई महिलाओं के खाते में, मजदूर को उनका खाता चेक कराने पे खाते में राशि आज तक नहीं आई। तो हमारी मांग ये है कि जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में फंसे मजदूर को वापस घर लाया जाए, वो भी फ्री में, और जो दारू सैनिटाइजर बनाना बंद करे, और जो लोगों के खाते में 1,000 रुपए से सरकार ने वायदा किया वो खाते में राशि पहुंचाया जाए, और यूपी बिहार के मजदूर को रोका गया उनको जाने दे, और पुलिस और मजदूर क्यों परेशान है, यही मांग को लेकर हमने पार्टी में कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आए, इसलिए हम पार्टी से रवाना होते बड़वानी में जा रहे। बड़वानी में अस्पताल पूरी बंद है, डॉक्टर नहीं ड्यूटी दे रहे, तो जो बड़वानी का CMO कलेक्टर आए हमारे से बात करें अस्पताल को ठीक करने के, और मजदूर को लाने के लिए, वो बाहरी मजदूर को निकलने के लिए, तो हम उसी से मिलने के लिए जा रहे। यहाँ का प्रशासन कोई हल नहीं निकाल पाया? यहाँ का प्रशासन कोई हल नहीं निकाल पाया, रोके, मत जाओ, आ रहे। उधर से SDO मैडम बोले कि बिजासन घाट पे मजदूर फंसे हुए, उनको निकालने कलेक्टर जा रहे। इधर यहाँ के DSP बोले कि वहाँ पे कोई मजदूर नहीं, हमने बाहर के मजदूर को रोका नहीं, हम किसकी बात पे यकीन करें? मौके पे कौन पहुँचा? अभी मौके पे DSP पहुँचे, तहसीलदार पहुँचे,
इसलिए उनके हमारी बातों पे कोई तोड़ नहीं निकला, इसलिए हम बड़वानी। जिला प्रशासन के कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आया? जिला प्रशासन से वरिष्ठ अधिकारी कोई नहीं आए, डीएसपी साहब आए, वो आ रहे ऐसे बताया जा रहा कि कोई नहीं आए। हम 2-3 घंटे वेट किए, अभी हम बड़वानी के लिए निकल कुछ बिंदु का प्रयास किया है, जो प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है उसके बारे में कोई जानकारी दी है। विशेष काम उसकी ये थी कि गुजरात महाराष्ट्र में फंसे हुए जो लोग हैं यहाँ पे उनको लाया जाए, इस और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं और उनको ये भी अवगत कराया कि जैसे कल हमारे लगभग 1000 लोग गुजरात से आ रहे हैं, आज ही 450 लोग महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं भोपाल, उसके पश्चात जूनागढ़ से भी स्पेशल ट्रेन और चलने वाली 1000 लोग और आएंगे। इस तरह से लगातार प्रयास जारी है और उनको इसके बारे में अवगत कराया गया। सर जो पैसे दे के आ रहे हैं उनके लिए क्या है? ये अभी उन्होंने तथ्य संज्ञान में आया, हमने शिकायत कराई कि गुजरात में विशेषकर वहाँ से उनसे पैसा लिया गया है, उनसे अभी जाँच कराएंगे, जाँच के पश्चात जो भी फाइंडिंग्स आती है उस समय गुजरात सरकार को अवगत कराएंगे।